जय श्री कृष्ण। साल भर में 24 एकादशी आती है, 12 शुक्ल पक्ष की और 12 कृष्ण पक्ष की। हर एकादशी का खास महत्व होता है, लेकिन शास्त्रों में निर्जला एकादशी को मोक्ष देने वाली एकादशी का है। इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने के अलावा गंगा में स्नान करने और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। इस बार निर्जला एकादशी 18 जून 2024 को मंगलवार के दिन रखा जाएगा। ऐसे में आप कैसे निर्जला एकादशी का व्रत करें और व्रत की कथा पे क्या करें? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब वेदव्यास जी ने पांडवों को धर्म अर्थ कर्म मोक्ष देने वाली एकादशी का व्रत का संकल्प प्रत्यक्ष युधिष्ठिर ने पूछा था, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पंच जो एकादशी है उसके बारे में विस्तार से बताइए। इस भक्त पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राजन, इस बारे में मैं परम परमात्मा व्यास जी बताए हैं। तब व्यास जी ने बताया, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भोजन नहीं किया जाता और उसके अगले दिन द्वादशी तिथि को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशों की पूजा की जाती है। पहले ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद खुद भोजन किया जाता है। इस पर भीमसेन बोले, पितामह मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रख सकता हूँ? मैं पूरे साल में केवल एक ही उपवास करता हूँ जिसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। अगर ऐसा कोई व्रत है तो बताइए। इस पर व्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि में हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो भी एकादशी आती उस पर निर्जला व्रत करें। एकादशी तिथि पर सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल ना पिए, तब तक व्रत पूरा होगा। इसके बाद द्वादशी तिथि को स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस तरह से अगर आप केवल निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो इससे साल भर में जितनी भी एकादशी तिथि आती है उसका आपको पूरा पुण्यफल मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिस भी व्यक्ति ने श्री हरि की पूजा और रात में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उसने अपने साथ साथ पिछले 100 पीढ़ियों और आने वाले 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के धाम में पहुंचा दिया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस एकादशी पर सच्चे मन से व्रत करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में जो भी एकादशी होती है उसको निर्जला एकादशी, उस दिन ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुँच जाता है। द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण के इससे व्रत का संकल्प लेने वाले की पापों का नाश होता है। साल की सबसे बड़ी एकादशी पर मिट्टी के कलश से होगी आपकी गरीबी दूर। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है, यह है साल की सबसे बड़ी एकादशी। इस साल निर्जला एकादशी के दिन आपको ज्योतिषों की माने निर्जला एकादशी एक विशेष उपाय बड़ा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यह उपाय कभी धन के भंडार खाली नहीं होने देगा। अगर आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है और पैसा हाथ में आते ही खर्च हो जाता है तो निर्जला एकादशी पर आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर मिट्टी का एक छोटा सा कलश घर लाएं। इस कलश में 1-1 रुपए के 5 सिक्के डाल दें, फिर इसे चावल गेहूं या जौ से भर दें। इसके बाद लाल रंग का कपड़ा ले और कलश के मुंह को बांध दें, फिर इस पर एक कलावा बांध दीजिए। इस पर कलश को माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के पास रख दें और विधिवत पूजा करें। निर्जला एकादशी पर पूरे दिन इस कलश को वहीं रखा रहने दें, फिर अगले दिन इसको उठा के अपने तिजोरी या अलमारी में रख दें। यह छोटा सा उपाय करने से व्यक्ति को कुछ ही दिनों में धन और लाभ होने लगेगा। व्यक्ति को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और उसको धन दान की कभी कमी नहीं होगी। अगर आप आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी पर स्नान ध्यान के बाद विधिवत लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। इस समय जगत के पालनहार और धन की देवी माँ लक्ष्मी को एकाक्षी श्रीफल अर्पित करें। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा साधक पर बरसती है। उनकी कृपा से साधक के सभी दुख दूर हो जाते हैं, धन की समस्या दूर हो जाने जाती। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की मंजीरी अवश्य अर्पित करें। इस उपाय को करने से साधक पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। एक चीज का अवश्य ध्यान रखें कि एकादशी तिथि पर तुलसी दल या मंजीरी नहीं तोड़े। भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए एक दिन पूर्व ही तुलसी की मंजीरी तोड़ लें। अगर मन चाहा वर पाना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी के दिन पूजा करते थे भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य आपको अर्पित करना चाहिए। इस समय भगवान विष्णु से आय और सौभाग्य में वृद्धि की कामना करें। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी को चावल की खीर अति प्रिय है। निर्जला एकादशी पर पूजा के समय भगवान को खंडित चावल और गुड़ से मिश्रित खीर भोग में अवश्य लगाएं। इससे लक्ष्मी नारायण जी प्रसन्न होते हैं और आपकी हर इच्छा पूरी कर देते हैं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिपद पूजा करके उन्हें चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। इसके साथ ओम आह अनिरुद्धाय नमः का 108 बार जप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है।
एकादशी के दिन पारिवारिक जीवन में खुशहाली लाने के लिए व्यक्ति को घर में लगे तुलसी के पौधे के पास शुद्ध गाय के घी का 11 दीपक जलाएं। इसके साथ ही तुलसी की 11 परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से अति शुभ फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी पर जीवन में आने वाली समस्त परेशानी छुटकारा पाने के लिए भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग लगाएं। मान्यता है कि पंजीरी में तुलसी के पत्ते डाल के भगवान को भोग लगाने से आपकी समस्त प्रकार की परेशानियां समाप्त हो जाती है। इसके अलावा कुंडली में किसी प्रकार का दोष पड़ रहा है तो इससे निजात पाने के लिए इस दिन पानी, शरबत, पीले फल, वस्त्र, आम, तरबूज, शक्कर इन चीज़ों का किसी ब्राह्मण या गरीब को दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को विधिवत पूजा पाठ करके दिन भर व्रत रखें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए। इससे आपकी हर समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। जय श्री कृष्ण।